ये जो मामला है ये बीजेपी के महामंत्री ने किया इस काम को अंजाम देने का काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग चाहे नित्यानंद हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या सुशील मोदी हो, लगातार नकारते रहे दो दिनों तक कि ये बीजेपी का नहीं। अचानक से कल हम लोग राजभवन जाते हैं, अचानक से ये मानते हैं कि हाँ वो बीजेपी का सदस्य था, अचानक से फिर शाम में उसको बर्खास्त किया जाता है। और कल रात में हमने एक न्यूज चैनल पे देखने का काम किया था कि शायद सीतामढ़ी से उसने जाकर के सरेंडर किया, लेकिन अब मामला क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उस सरेंडर किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम किया है और ये लोग खून की होली खेलने का काम किए हैं, खून की होली खेलने का काम किए हैं। थोड़ी सी भी संवेदना नहीं थी और पूरी तरीके से बॉम्बे से कलाकार बुला करके पूरे बीजेपी के लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान था कि मनोज बैठा को हम लोगों ने बचाने का काम किया है,